शायर हसन जज्बी फरमाते हैं कि ऐश से क्यों खुश हुए, क्यों गम से घबराया किए, जिंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा किए। अजीज बच्चों, हर शख्स चैन सुकून अमन और खुशी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। उमूमन ऐसा नहीं होता, जिंदगी के साथ इंसान को मुताबिकत रखनी पड़ती है। इंसान की जिंदगी में खुशी के साथ गम और सुख के साथ दुख होते हैं और उसको उसका मजा चखना पड़ता है। वही बात शायर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हमने जिंदगी की हकीकत को समझा ही नहीं, न जाने जिंदगी क्या थी और हम उसे क्या समझते रहे। इसलिए हम ऐशो आराम मिलने पर खुश हुए और रंजो गम मिलने पर घबराते रहे। ना खुदा बे खुद, फजा खामोश और साकित मौजे आब। और हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए। दूसरे शेर में जज्बी ने अपने डूबने के तसव्वुराती मंजर को बयान किया है। वो कहता है कि उमूमन कोई भी शख्स के डूबने का खदशा उस वक्त लाहक होता है जब हवाएं तेज हो और मौजें ऊंची ऊंची उठ रही हो। ये हमारी बदनसीबी नहीं तो और क्या है कि हम डूबे भी तो उस वक्त जब मल्लाह बेखुद था। फजाएं खामोश थे और मौजें अपनी जगह पर मुंजमित थी। गजल के तीसरे शेर में शायर कहता है कि वो हवाएं, वो घटाएं, वो फजाएं, वो उसकी याद, हम भी मिजराबे अलम से साज दिल छेड़ा किए। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी माहौल के जेर असर, किसी माहौल के तहत हमारी यादें वाबस्ता होती हैं और जब इंसान को वो यादें सताते रहती है तो उसमें गुम हो जाता है, वो आलम ख्याल में चला जाता है। शायर की भी कुछ ऐसी ही कैफियत है। उसने अपने महबूब के साथ जो लम्हात गुजारे थे, अब उसकी जुदाई के बाद उसके गुजरे हुए लम्हात उसे याद आ रहे हैं। तो वो कहता है कि हमने मिजराबे अलम से साज दिल को छेड़ा और फजा में उदास नगमा गूंजता रहा, यानी हम उसकी यादों में डूब गए।